वेलकम टू ओम श्री मार्ट। हम आपका अपने चैनल ओम श्री मार्ट में स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो आइए हम आज आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेकर आए हैं। ये स्पेशल उस एरिया के लिए है जहाँ पे पावर कट होता है, और अगर आप एक प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए ये सबसे बेटर प्रोडक्ट है, जो कि है सोलर इन्वर्टर। जैसे नाम ही इसका है सोलर इन्वर्टर, और सोलर इन्वर्टर लगाओ बिजली बचाओ। तो आज हम इसी का रिव्यू करेंगे, इसमें क्या क्या है और हम क्या कितने तक लोड दे सकते हैं। तो हम आपके सामने लाइव टेस्ट करेंगे आज इसका कि 75 वाट कितने मैक्सिमम कितना वाट तक ले सकता है ये। तो आइए सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं इस प्रोडक्ट को। ये अगर आपको ये लेना होगा तो हमारे द्वारा दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारी साइट है, वहां पर भी आपको मिल सकता है। इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, इसको करते हैं हम साइड में। अब ये रहा पॉलिथीन है, पॉलिथीन को निकालते हैं। अब हम इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर हमें एक अलग से बैटरी लगानी होगी, जो बैटरी कुछ इस प्रकार है। इसको हम करते हैं साइड में, और ये रहा हमारा बैटरी। ये इसके अंदर बैटरी लगता है, ये मैक्सिमम जो कि है 7 एम्पियर की बैटरी होती है। आप किसी भी कंपनी का लगा सकते हैं, कई कंपनियों का आता है। ये है हमारी बैटरी। अब आइए हम आपको दिखाते हैं ये बैटरी इसमें कैसे लगाएंगे और इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे चार नट दिया हुआ है, 1, 2, 3 और ये 4। इन चारों नटों को हम खोलेंगे बारी बारी से। इसको यहाँ पे रखते हैं। ये देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक ट्रांसफार्मर है और एक ये सर्किट डिजाइन है। और अब हम इसके अंदर बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के लिए ये रहा, ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये है बैटरी। अब इस बैटरी को हम पहले इसमें लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। इसका खास तौर पे हम ध्यान रखेंगे इस बैटरी के, उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे कि रेड वाला है प्लस के लिए है, तो हम इसको ये प्लस वाले में सिंपल में लगा देते हैं। कुछ हम इसको ऐसे घुमाते हैं जिससे आपको दिखाई दे सके। यहाँ पे जैसे कि ये दो होल रखा हुआ है, दिया हुआ है, इसको थोड़ा थोड़ा हम दबा देंगे जैसे कि ये, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रख सके और फिर बाद में इसको हम उठा देंगे। उठाने से जैसे कि टाइट हो जाएगा। तो जैसे कि प्लस प्लस में, तो ये रेड प्लस के लिए सिंबल दे रखा है। अभी ये बैटरी चार्ज नहीं है, बैटरी जो भी है वो कंपनी से जितनी चार्ज होकर आई हुएगी उतनी ही चार्ज होगी। तो हम इसको ऐसे ये अच्छा लग गया। अब इसका एक ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला पोर्शन इसको इंस्टॉल किए। इसको लगाने के बाद से जस्ट ऐसे नीचे की तरफ रख देंगे, और यहां रखने के बाद से अब कुछ नहीं करना है हमें, सिंपल ये क्लोज। यहां से चार्जिंग बाहर निकल गया है, यहां से पास आ गया चारों जो स्क्रू थे इसके, हमने इसके टाइट कर दिए। टाइट करने के बाद से ये प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसे दिखता है। लेकिन हाँ, हमने एक चीज भूल गया। अब हम इसके बैटरी को, ये जो देखिए, ये जो हम सीधा किए थे, इसको अब हम यहाँ से हाथ लगाकर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देंगे। अगर ऐसे ना हो तो जैसे कि हमारे पास पिलास हो या कुछ भी हो, जैसे ये है, तो हम इसको यहाँ से इसको एडजस्ट कर दे रहे हैं, थोड़ा सा बराबर अंदर चला जाए, जैसे कि वो पूरी तरह से क्या हो, फिट हो जाए। कई बार स्क्रू भी दिया होता है, तो ये रहा, हम इसको टाइट कर दे रहे हैं। ये बैटरी टाइट हो गई। अब हम ये क्या हो गया, ये पोर्टेबल हो गया। अब इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए हम आपके सामने सबसे पहले ये एक 7 वाट की जो LED है उसको जलाकर ट्राई करते हैं क्या क्या ये लोड लेगा। ये देखिए ये आपके सामने है 7 वाट का इन्वर्टर, और हम इसको करते हैं ऑन। ये देखिए इसकी रोशनी। अब ये हमने जलाकर इसको देखा, ट्राई किया, मैक्सिमम हमारे केस में 8 घंटे तक ये कंटिन्यू चली थी 7 एम्पियर की बैटरी पे।
जो बैटरी हमने यूज किया है वो लोकल बैटरी यूज किया हुआ है, तो उसके ऊपर इसका परफॉर्मेंस ये था। अब हम इसके 15 वाट की जो एलईडी है उसको चला के देखेंगे। ये देखिए अब इसकी रोशनी, अब आप खुद रोशनी से पहचान कर सकते हैं। तो जैसे कि ये उन लोगों के लिए बेटर है जिनको अपने घरों में लाइट चली जाती है, लाइट जाने के बाद से जैसे कि 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे का बैकअप लेना है और वो इन्वर्टर नहीं खरीद सकते। साथ ही साथ में आपको इसमें ये देखिए यहाँ से आप जो सोलर आता है 50 वाट का 40 वाट का या जो मार्केट में मिल जाता है 20 वाट के आसपास का, तो उसको भी आप लगा के यहाँ से आसानी से चार्ज कर सकते हैं। ये कॉमन है और यहाँ से आप 12 वोल्ट की डीसी बैटरी डीसी आउटपुट भी निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये जो दो पोर्ट दिए हुए हैं इसमें आप चाहे तो मोबाइल चार्ज कर सकते हैं या यहाँ से आप एक अलग से कनेक्शन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको इसके साथ दो बैटरी दो बल्ब जलाना हो। तो जैसे कि हम अभी आपको हम दिखाते हैं थोड़ी देर में, चलो जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे थे कि बल्ब जलाकर, देखिए हम अभी आपको लाइव टेस्ट करेंगे। ये बल्ब जल रहा है, जी हाँ ये बल्ब जल रहा है। अब यहाँ से हम आपको एक लगाते हैं होल्डर में, यह होल्डर में एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए, और यहाँ से हम एक 15 वाट का बल्ब लगाते हैं। ये देखिए 15 वाट का बल्ब भी जल रहा है और साथ में एक हम मोबाइल लगाते हैं चार्जिंग के लिए। ये सब इसी बैटरी से हो रहा है, हम आपको लाइव टेस्ट दिखा रहे हैं। जी हाँ ये रहा बल्ब, अभी हम आपको ये चेक कराएंगे ये हमारा 100 वाट का बल्ब जलता है कि नहीं जलता है। जी हाँ ये देखिए जैसे कि हमारा मोबाइल है, अगर हम लाइट चली गई और हमको मोबाइल चार्ज करना है या पोर्टेबल हम कहीं गए हुए हैं, देखिए बिल्कुल मोबाइल चार्ज हो रही है, ये आपके सामने है। अब देखिए देखिए 85% मोबाइल चार्जिंग हुई है, पावर जा रहा है। जी हाँ तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस आउटपुट को निकालते हैं हम यहाँ से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हम 75 वाट तक का ही लोड दे सकते हैं, तो इसलिए हमारे सामने ये एक 100 वाट का बल्ब है। तो देखते हैं क्या ये 100 वाट का बल्ब ये इन्वर्टर जला पाएगा। जी हाँ आप बताइएगा क्या ये बल्ब 100 वाट का इन्वर्टर बल्ब को जला पाएगा, जी कमेंट में बताइए हमें। देखिए हम आपको दिखाते हैं टेस्ट, जी हाँ ये 100 वाट तक का लोड ले पा रहा है और हमने इसको अभी तक कोई चार्ज नहीं किया है। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि ये जो दिखाया जा रहा है इन्वर्टर कितना किफायती और कितना क्वालिटी में है और कितने वाट तक का लोड ले सकता है कि आपको दिखाया। तो अगर अच्छे से किफायती तरीके से इसको चलाना है तो कम से कम आप इसमें 70 वाट तक का लोड दीजिएगा और आपका लाइट जाने के बाद से मैक्सिमम 8 घंटे तक का बैकअप देगा। अगर आप जैसे कि ये उन लोगों के लिए काफी किफायती है जैसे कि कोई पिकनिक के लिए जा रहा है, बाहर जा रहा है और वो अपने घर से चार्ज करके लेके जाना चाहते हैं, पोर्टेबल है। ये देखिए ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी लेके कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ में हम आपको बता दें ये देखिए ये जो है ये एसी से चार्ज करने के लिए दिया हुआ है, बिजली की सुविधा नहीं है। जैसे कि गांव में कई इलाके हैं जैसे रिमोटली एरिया जहाँ पे बिजली की सुविधाएं नहीं होती है, तो उनकी बिजली की सुविधा ना ही है तो आपके पास सोलर पैनल आता है। सोलर पैनल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, उसकी प्लस और माइनस का जो आता है यहाँ पे लगा लीजिए और आपका ये क्या हो गया, ये अब ये सोलर इन्वर्टर में बदल गया। अब शाम को जैसे ही शाम होगा आपके घर में अब अंधेरा नहीं रहेगा, केवल उजाला रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।